नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं सिंध भारत और वक्त है एशियन रफ्तार का। कुनासा में रणगांव में मनाई जा रही महाशिवरात्रि, शिवाजी को शिलालेख लगाकर लगाई हल्दी, पूजन पाठ के लिए लगा भक्तों का तांता, शिवालयों में पूजा पाठ का सिलसिला जारी। नामलोद में जागीरदार श्री बिल्वा मातेश्वर महादेव की निकली सवारी, शाही अंदाज में निकला जागीरदार का काफिला, पुलिस के आला अधिकारियों ने पूजा कर रवाना की सवारी, महादेव के स्वागत में गार्ड ऑफ ऑनर से दी गई सलामी। धार में महिला दिवस को लेकर खासा उत्साह, साड़ी वॉकथॉन का आयोजन, बड़ी संख्या में महिलाएं और लड़कियां हुई शामिल, लालबाग परिसर में एक सभा का आयोजन। धार में महाशिवरात्रि की धूम, धारेश्वर महादेव की निकाली गई बारात, गाजे बाजे के साथ महादेव की बारात में झूमे लोग, बारात का शहर भर में भव्य स्वागत। पीतमपुर में महिंद्रा कंपनी में चोरों की पर्दाफाश, 20 लाख के ऑटो पार्ट्स चोरी करने वाला गिरोह पकड़ा गया, कंपनी के कर्मचारियां ही चोरी में थे शामिल, आरोपियों के कब्जे से चोरी का सामान बरामद किया गया। आलोट में महाशिवरात्रि में महादेव की बारात का आयोजन, भोले की शादी में बराती बने भक्त, धूमधाम के साथ शिव पार्वती की हुई शादी। उज्जैन में महाकाल की नगरी में महाशिवरात्रि की धूम, विशेष पंचामृत अभिषेक और भस्म आरती, देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे। रायसेन में एक बार फिर दिखा बाघ, 9 दिन बाद तीसरी बार दिखा बाघ, वन विभाग ने की सावधानी बरतने की अपील। ओंकारेश्वर में महाशिवरात्रि की धूम, ब्रह्म मुहूर्त में शिवलिंग का हुआ अभिषेक, जूना अखाड़े से संतों ने की पूजा अर्चना, प्रशासन ने की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। सावेर में बाबा खाटू श्याम की यात्रा का आयोजन, कोलकाता का खाटू श्याम दरबार सजाया गया, आकर्षक झांकियों के साथ निकाली गई यात्रा। रंजुवासुदा में स्कूल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही, स्कूल प्रबंधन की मनमानी से फसल तबाह, किसान के खेत से बाढ़ हटाई, जानवरों ने खाई फसल। इंदौर में साड़ी वॉकथॉन कार्यक्रम का आयोजन, सीएम मोहन यादव हुए शामिल, बड़ी संख्या में शामिल हुई महिलाएं, पुणे और सूरत की तर्ज पर रखा गया कार्यक्रम। इंदौर में दिव्यांगों के रोजगार मेले का आयोजन, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बांटे नियुक्ति पत्र, 121 दिव्यांगों को नियुक्ति पत्र किए गए वितरित, सीएम ने की कलेक्टर आशीष सिंह की सराहना। मंदसौर में शिवरात्रि पर्व पर हुआ भव्य आयोजन, शिव मंदिरों में लगी भक्तों की भीड़। रायसेन में सोमेश्वर धाम मंदिर में भक्तों का तांता, सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन खुलते हैं मंदिर के ताले, 12 घंटे के लिए खोले गए मंदिर के ताले। रीवा में देव तालाब में लगा भक्तों का तांता, मंदिर का अनोखा इतिहास, भगवान विश्वकर्मा ने बनाया मंदिर, रातों रात हुआ था मंदिर का निर्माण। चित्रकूट में मंदिरों में लगा भक्तों का तांता, मतयेन्द्र नाथ शिव मंदिर अति प्राचीन, दूर दूर से जलाभिषेक करने पहुंचे रहे लोग, हर साल की तरह शिव बारात का आयोजन। चंदेरी में देश भर में धूमधाम के साथ मनाया महाशिवरात्रि पर्व, ओम नमः शिवाय के जयकारों से गूंजा पूरा नगर, महाशिवरात्रि पर भगवान का हुआ भव्य श्रृंगार। धामनोद में नर्मदा तट पर लगा भक्तों का तांता, महाशिवरात्रि पर लगी आस्था की डुबकी, बोम बम के जयकारों से गूंजे नर्मदा तट, सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए। रीवा में निकाली गई शिव बारात, दुनिया का सबसे बड़ा नगाड़ा बनाया गया, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम, शिव बारात के साथ निकाला गया नगाड़ा। ओमकारेश्वर में महाशिवरात्रि की धूम नजर आई, शिव की भक्ति में लीन हुए ओमकारेश्वर वासी, किन्नर गुरु ने की मीडिया से चर्चा, जगह जगह हो रहे भंडारे। कन्नौज में बीसीजी टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ, विधायक पंडित आशीष शर्मा हुए शामिल, 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य, टीका लगाने के लिए बनाए गए 6 मापदंड। जबलपुर में धूमधाम से मनाई जा रही महाशिवरात्रि, रांची सरस्वती मैदान में बड़ा आयोजन, महिलाओं ने बनाए असंख्य पार्थिव शिवलिंग। नीमच में किलेश्वर मंदिर में लगी भक्तों की भीड़, जलाभिषेक कर लिया बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद, महादेव को लगाया 56 भोग का प्रसाद, शिवालयों में उमड़े भक्त, भक्तों ने किया जल अभिषेक, शिव विवाह का होगा आयोजन, दूल्हे के रूप में किया बाबा का श्रृंगार। राजरोध में बोलबम के जयकारों से गूंजे शिवालय, भक्तों ने सुबह से शुरू किया जल अभिषेक, प्राचीन नीलकंठेश्वर महादेव में लगा भक्तों का तांता। दमो में धूमधाम के साथ मनाई जा रही महाशिवरात्रि, मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे जागेश्वर नाथ, ब्रह्म मुहूर्त में किया जागेश्वर नाथ का अभिषेक। आलोट में शिवरात्रि को लेकर लोगों में भारी उत्साह, कल्पेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का तांता, दूर दूर से दर्शन करने पहुंच रहे भक्त। भोपाल में गूंजे भोलेनाथ के जयकारे, दूल्हा रूप में निकाली गई बारात, मंदिरों में सुबह से शुरू हुआ जलाभिषेक, 125 संस्थानों ने बनाए स्वागत मंच। भोपाल में महिला दिवस पर महिलाओं को तोहफा, महिला दिवस पर नहीं देना होगा बसों का किराया, बस में एक दिन के लिए फ्री सफर। दमोह में अपने पुराने संसदीय क्षेत्र पहुंचे प्रहलाद पटेल, घोषित उम्मीदवारों को दी शुभकामनाएं, शेष 5 सीटों पर जल्दी लगेगी मोहर। खरगोन में एमपी में महाशिवरात्रि की धूम, शिवालयों पर लगा भक्तों का तांता, शिव भक्तों ने शिव बारात निकाली, रंग बिरंगी रोशनी सहित फूलों से सजाया मंदिर। मंदसौर में ब्यूटिशियन बना रही नारियों को आत्मनिर्भर, हाथ का हुनर सिखा कर रहे सशक्त, 200 महिलाओं को करा चुकी है। भोपाल में महाशिवरात्रि पर डमरू दल ने निकाला चल समारोह, देश का प्रख्यात है डमरू दल, पुष्पक विमान रहा आकर्षण का खेल। रंजुवासुदा में नीलकंठ महादेव मंदिर में उमड़े भक्त, लोगों ने जलाभिषेक कर भोलेनाथ का आशीर्वाद दिया। महेश्वर में श्रद्धालुओं ने लगाई मां नर्मदा की डुबकी, लाखों की संख्या में श्रद्धा
श्रद्धालु पहुंचे नर्मदा के दर्शन। जबलपुर में ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, अंतर्राज्यीय 11 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इंदौर में धूमधाम के साथ मनाई गई शिवरात्रि, महाशिवरात्रि पर्व पर शिवालयों में लगा भक्तों का तांता, मंदिरों में हुई अद्भुत साज सज्जा। गढ़ाकोटा में मंदिर में गूंजे शिव बाबा के जयकारे, अल सुबह से मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। कुनासा में कुंडकेश्वर महादेव मंदिर में लगा भक्तों का तांता, बड़ी संख्या में पहुंची महिलाएं, बाती जलाने से मन्नत पूरी होने की मान्यता है। कन्नौज में शिव ध्वजारोहण कर फहराई धर्म की ध्वजा, 12 ज्योतिर्लिंग के सभी ने किए दर्शन। भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया शिवाभिषेक, बटेश्वर नाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, बाबा की बारात में हुए शिवराज सिंह चौहान शामिल। अशोकनगर में निकली भव्य शिव बारात, शिव गौरी मंदिर से हर साल निकलती है बारात, भोले की बारात में शामिल हुए शिव। भोपाल में मणपुरम में करोड़ों का गोल्ड लोन का घोटाला आया सामने, शाखा प्रबंधक ने की हेराफेरी, गैम्बलिंग ऐप और कैसीनो में लगाया आरोप। मंदसौर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि पर भगवान पशुपतिनाथ का विशेष श्रृंगार, और सुबह से मंदिर में लगा भक्तों का तांता। बंदाना में विधायक ने किया सीएम राइस का औचक निरीक्षण, गुणवत्ता की कमी पर भर्ती विधायक इंजीनियरिंग को लगाई फटकार, कहा गुणवत्ता पर समझौता नहीं। इंदौर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी रहे मौजूद। सुमति धाम पर भव्य पंच कल्याणक महोत्सव में हुए शामिल। उज्जैन में सातवीं उमा भारती पहुंची, बाबा महाकाल के दर्शन किए, कहा भाजपा का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, पीएम नरेंद्र मोदी एक महाशक्ति के रूप में उभरेंगे। इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया सम्मान, महिला सफाई कर्मियों का सम्मान किया गया, महिला सफाई कर्मियों के चेहरे पर दिखी खुशी। फिलहाल एशियन रफ्तार में इतना ही, आप देखते रहिए एशियन भारत।